जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं, उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। सुरक्षा वास्ते नहीं लाए पे, इन्होंने सिर्फ खजाने पर नवाते रहे पे। जेड़े बंदे 300 रुपए दिहाड़ी है, वो मास्क नहीं पाया, थले किया पाया, वह 1000 रुपए चलान कटिया जा रहा। मुंडे न्याणे बच्चे कालिया शीशिया गड्डिया के घूमते हैं, कोई मास्क नहीं पाया, स्कूटर मोटरसाइकिल बड़े आराम में घूमते, चौड़े घूमते वो मंत्री के मुंडे से एम एल ए। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਤੇਵਾਲ ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਰਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੌਂਕ ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜ ਥਾਪਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। धरने भी लगते है, कई जथेबंदियां कट्ठिया होंदिया, फिर भी सरकार की कंध जूं के बिकती, फिर भी इदा के अत्याचार क्यों होंगे बच्चिया का? जनाब सारा कुछ जो प्रशासनिक प्रशासन की ढिल जो भी हो रहा सब कुछ उन्हें ढिल हो रहा। हम देखो जरकार ने जोड़े पंजाब पुलिस के जोड़े पंजाब पुलिस के जिन्हें मुलाजम इन्होंने साड़ी सुरक्षा वास्ते नहीं लाए पे, इन्होंने सिर्फ खजाने पर नवाते रहे पे है। साड़ी सुरक्षा वास्ते लगे पे, सिर्फ खजाने परतन लगे भरन लगे। जेड़े बंदे 300 रुपए दिहाड़ी है, वो मास्क नहीं पाया, थले किया पाया, वह 1000 रुपया चलान कटिया जा रहा। तो जेड़े इन वीआईपी जड़ियां गड्डियां इन्हों के मुंडे न्याणे बच्चे कालिया शीशिया गड्डिया के घूमते हैं, कोई मास्क नहीं पाया, स्कूटर मोटरसाइकिल बड़े आराम में घूमते, चौड़े घूमते वो मंत्री के मुंडे से एम एल ए के मुंडे है। सिर्फ जेड़े नाकामी सिर्फ प्रशासन की आ, असी यूपी के जंगल राज गल करते हैं तो असी पंजाब कितने खड़े पे हैं? जिड़ी गुरुआ पीर की धरती सी नापाक इन्हों ने शासन प्रशासन ने किया पाया। शासन प्रशासन काम करने तैयार आ, मगर जड़िया मौके दरकार वा जड़िया ये सिर्फ इन्हों दबाव हेठ रहा वा। तो असी सरकार के कोल ही मंग करते पे हाँ कि जी दोषियों की जल्द तो जल्द गिरफ्तारी की जाए, तो जिन्ना भी हो सकता उन्हें घरदों को कंपनसेशन देना चाहिए। जो एट्रोसिटी अकॉर्ड एट्रोसिटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो बनता वो तो है आ, प्लस वो जोड़ा ब्रदर आनू सरकारी नौकरी, तो जी केस फास्ट ट्रैक कोर्ट के पाया जाए, ना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के टांडे वाला केस पाया उस तरीके पाया जाए जिदे एक बजुर्ग न बच्चे मैंटल का मुंडे मैंटल का दे के उन्होंने मैंटल हॉस्पिटल भेजता, तो जोड़ा बुजुर्ग उन्होंने बीमार का पा के हॉस्पिटल में पहुंचाता, तो यह फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 महीने का होना चाहिए। ये जिदा हाथरस से गैंगरेप होया ना, वो जिदा कि 2:30 बजे रात को पुलिस प्रशासन ने उस कोड़ी नू मरन तो बाद फिर पुलिस प्रशासन ने उन्हूं मर्डर किया रात को जला के 2:30-3 बजे, तो उस वेले कहिंदे सी कोई मर्डर कोई रेप नहीं होया, कोई कुछ नहीं होया। बाद विच जो रेप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जो सीबीआई जांच हुई, उहदे विच रेप की पुष्टि भी हुई, तो उहदे विच सारे शासन प्रशासन की नाकामी हुई। असीं इह चाहुंदे हां कि कोई भी उत्थे देखो हले तक 4 दिन हो गए आ, उत्थे हले तक कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं पहुंचया। सरकार का नुमाइंदा मतलब कोई एमएलए कोई एमपी कोई टुच्चा या बंदा नहीं उत्थे पहुंचया। असीं की इन्हां गल्लां दे विच स्टैंड करदे हां? इत्थे कोई किसी अमीर का कुत्ता मर जाए उहदे घर साडे मंत्री संतरी अफसोस करन चल जांदे आ। सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद।
लगातार समाज उत्ते हो रहा कुड़ियां नाल अत्याचार हो रहा है, इलेक्शन भी लागे आ रहे हैं, है तुसी किस तरह देख रहे हैं कि वो क्यों यह नलैकियां की जा रही सरकार वालों बार बार? देखो इस टाइम जिहड़ी सरकार आ सरकार दलितां दीआं जिहड़ियां धीआं भैणां उन्हां दी रक्षा करन विच फेल हो चुकी है। तुसी देखो कि हले पिछे जे मनीषा वाल्मीकि वाला कांड होया सीगा, उस तो बाद विच मोगा दे विच दो दलित कुड़ियां नूं गोली मार के उन्हां दी हत्या कर दित्ती गई, पर हले उन्हां दी चितावां ठंडियां नहीं होईआं सीगीआं कि रमनदीप कौर दा जिहड़ा इक गैंग रेप कीता गया, बाद विच उहनूं मौत दे घाट उतारता गया। देखो इस टाइम ये जिहड़े दरिंदे खुले घूम रहे आ, ये क्यों घूम रहे? क्योंकि पता सरकार ने कुछ नहीं करना। जिहड़ियां सरकारां आ वह सिर्फ दलितां दीआं वोटां लैण तक ही सीमित आ, वोट भी दे दिंदे आ मौके ते उहनां नूं। देखो इस टाइम की आ कि जिहड़े रिजर्व सीटां दे उत्तों जिहड़े साडे एमएलए एमपी जिते हुए आ, पहली गल साडे नहीं गए, वो जस्ट एससी सर्टिफिकेट नूं सिर्फ एक टिकट लैण लई यूज करदे और एमएलए एमपी बण तक ही सीमित आ, उहनां नूं समाज दे किसे दर्द नाल कोई लैणा देणा नहीं गा। इसे करके तुसी देखो इस समाज उत्ते आए दिन जिहड़े अत्याचार वध रहे आ, इहदा मतलब की आ कि इस टाइम दलित समाज दीआं और गरीब समाज दीआं जिहड़ियां औरतां आ जिहड़ियां लड़कियां आ वो सेफ नहीं गईआं। तुसी देखो कि एक 17 साल दी कुड़ी दा मतलब कि गैंग रेप कीता गया और बाद विच उहदी जिहड़ी मौत आ वो हो गई, उहदी मतलब मार दित्ता गया उहनूं। ते आपां हुण इहनां चीज़ां तों की लवांगे कि जिहड़े लोक आ उह अपणियां कुड़ियां नूं इस करके जम रहे आ, इस करके पढ़ा रहे हैं कि जिहड़े दरिंदे आ उह कल नूं आ के उहनां नूं नोच के ते बाद विच उहनां नूं मौत दे घाट उतार देण, कदी उहनां नूं गोलियां मारी जांदियां, कदी बलात्कार करके उहनां नूं जलाया जांदा, ते कित्थे दा इंसाफ आ? की मंग करदे आ आपां? असीं मंग इही करदे आ क्योंकि इह जिहड़े दोषी दो नहीं सीगे, ज्यादा जिन्हां ने रेप कीता, इह मेडिकल रिपोर्ट तों वी साबित हुंदा पिआ कि ज्यादा जिन्हां ने रेप कीता, पर इस टाइम हले तक जिहड़ा प्रशासन आ उह दो जिहड़े जिहड़े बाई नेम नाम लिखाई उहनां तक वी पहुंच नहीं कर सकिआ, ते जिहड़े बाकी मुजरिम आ उह इस टाइम फरार हैगे आ। असीं इह चाहुंदे आ कि जिहड़े बाकी दोषी वी हैगे उहनां नूं नामजद करके ते जो कुड़ी दा परिवार आ उहदे परिवार दी माली सहायता वी कीती जावे, बहुत गरीब परिवार आ उह, क्योंकि इक मां ने दिहाड़ियां कर करके अपनी कुड़ी नूं पढ़ाया सीगा, ठीक है, किराए ते रहिंदे आ उह। असीं इह चाहुंदे आ प्रशासन उहदे लई माली सहायता भी करे, उहदे परिवार दे विच इक दिन सरकारी नौकरी भी दे, ते उस तों अलावा इह जिहड़े दरिंदे सीगे इहनां नूं जो इहनां दी बणदी कारवाई हैगी आ सख्त तों सख्त इहनां दे कानूनी कारवाई कीती जावे, इहनां नूं फांसी तक दी जिहड़ी सजा दित्ती जावे, तां जो आउण वाले समें दे विच इहो जिहे दरिंदे आ इहनां नूं लत्त पाई जा सके और समाज विच जिहड़ियां धीआं भैणां उह सेफ रह सकन और लोक धीआं जम्मण तों ना डरन। ਬਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਭਾਅ ਜੀ
साड़ी बेटी जो जिसने हले दुनिया भी नहीं देखी सी उन्हूं एक साजिश के तहत जो उस पिंड के लोग और जो उन्होंने मुंडे जड़े अज इन्हों ने एक उस नाबालिग बच्ची नू ये गड्डी दे विच खिच के ले जा के उहदे नू लै गए उस तो बाद उहदे नाल रेप किया। मान लो ठीक आ जे असीं कहने कि किसी दे नाल अगले दे परसनल रिलेशन कोई नहीं, लेकिन उस नू एक इदां दे ही दैत बंदे नू बच्चे नू ले जा के उहदे नाल बलात् करना गैंग रेप करना कि यह लोगों नू शोभा दिंदा कि उहदी जगह उस बंदे दी भैण हुंदी जां उहदी बेटी हुंदी कि वह बंदा इस चीज़ नू बर्दाश्त करदा। कुछ चेर पहला तुसी इंटरव्यू ले सी मेरी इस चौंक दे विच ही, इस चौंक दे विच खड़ा कर खड़े होके आपां जिहड़ा कैंडल मार्च कीता रात नू जो अड़ी बेटी सी वह यूपी तो सी उस तो बाद लगातार जिहड़ा आ सिस्टम चलता आ रहा कि एक तहत साजिश के तहत साडे समाज नू टारगेट किया जा रहा कि अज तक किसी ने देखा कि जनरल कैटागरी की जां होर किसी की बेटी नाल इस तरह होया वे। असी सारिया बेटिया का सन्मान करते हैं सत्कार करते हैं, पर मैं यह कहना कि इसलिए हो रहा क्योंकि साडा समाज गुमराह आ। पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही, लगातार वारदातें हो रही है भाजी, कुछ भी नहीं कर रही। उन्होंने पता है कि इन्होंने की करना, धरने लाने हैं, धरने ला के अपने घरों बह जाना है, उस तो बाद की कर लेंगे। ना तो इन्होंने कुछ तोड़ भन करनी, ना इन्होंने कुछ करना, ना सानू इंसाफ नहीं मिलना। साडा गरीब परिवार आ, चाहे मान लो कि उत्थे दे पिंड के तनात लोग आ गए, उन्होंने चार पांच ने पैसा देता तो साडे समाज नू खरीद लेना। कहन दा मतलब यह है कि गवर्नमेंट नू यह चाहिए कि जिथे इन्ने काले कानून बनते हैं उत्थे एक काला कानून नहीं बन सकता कि उस बंदे नू जिस वेले पता लग गया कि इस बंदे ने गलत किया काम उन्होंने ऑन दी स्पॉट जिहड़ी फांसी दित्ती जाए, क्योंकि यह काम इस करके नहीं हो सकता क्योंकि जिन्ना चिकर मंत्रियों दी बेटियां मंत्रियों दे बेटे नहीं इस चीजों के बिच फसदे उन्ना चिकर ए कुछ नहीं होना। सरकार नू जिम्मेवार समझ रही है वेले, बिल्कुल सरकार नू के पुलिस प्रशासन सरकार रोक लगा सकती है, कोरोना के घर च वाड़ सकती है, तो की गल एक चौंक दे विच इक बंदा नहीं।